नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी रेसिपी जिसका नाम है पकौड़ों वाली कढ़ी। तो आइए देखते हैं इस आसान से रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। पकौड़े वाली कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ा के रखा है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी। अगर आप चाहे तो घी की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से कढ़ी का स्वाद बहुत ही बढ़ता है। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा। यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां जिसको मैंने चॉप किया है, उसको तड़के में डाल देते हैं। साथ ही में हम लोग डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च जिसको मैंने लंबा काट लिया है। तीखा आप अपने अंदाज के हिसाब से डालें। इसको एक बार फ्राई कर लेंगे, गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी हम लोग डालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कढ़ी के लिए घोल बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप दही, घर का फ्रेश दही है, आप चाहे तो बाजार वाला दही भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग डालेंगे इसमें 3 कप पानी। अब हम लोग 3 कप पानी डाल रहे हैं, अगर हमें और लगेगा तो हम लोग और डाल देंगे। अब हम लोग ऐड कर देंगे इसमें 1/2 कप बेसन का आटा यानी चने का आटा और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हम लोग तड़के में ऐड कर देते हैं। अभी हमें और थोड़ा सा पानी यहाँ पे लगेगा। कढ़ी को हम लोग थोड़ा सा पतला बनाएंगे ताकि पकौड़े को जब हम कढ़ी में डालें तो पानी को सोक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे और 2 कप पानी डाल रही हूँ और बस कढ़ी को यहाँ पे एक उबाल आने तक हमें पकाना है। मैंने यहाँ पे कढ़ी में नमक नहीं डाला है, याद रखें कि उबलते हुए कढ़ी में नमक ना डालें, ये आज की टिप है। जब भी कढ़ी ठंडी हो जाए तभी इसमें नमक ऐड कर दे, नहीं तो कढ़ी फटने के चांसेस है। अब इसे हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। जब तक हमारी कढ़ी उबल रही है तब तक हम लोग पकौड़े के लिए घोल बना लेंगे। हमने कढ़ी के लिए 1/2 कप बेसन लिया था, अब पकौड़े के लिए भी 1/2 कप बेसन हम लोग ले लेंगे। इसमें हम लोग थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच अजवाइन। इसको हम लोग थोड़ा सा हाथ में लेंगे, मसल के आटे पे डाल देंगे और यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे प्याज ऐड नहीं किया है। इसको हम लोग अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल हम लोग बना लेंगे जैसे पकौड़ों के लिए हम लोग बनाते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, ज्यादा पतला बैटर हमें यहाँ पे नहीं बनाना है। बैटर को एक चम्मच की सहायता से हम लोग मिला लेंगे अच्छी तरह से और अब इसके हम लोग पकौड़े तल लेंगे, छोटे छोटे पकौड़े हम लोग तल लेंगे। यहाँ पे गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे पकौड़ों को। मैं चम्मच की सहायता से इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पकौड़े छोड़ती जाऊंगी, आप चाहे तो हाथ से भी छोड़ सकते हैं। जब ये पकौड़े कढ़ी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। गैस की फ्लेम मैंने धीमी रखी है, इसको अलटते पलटते हुए हम लोग पकौड़ों को अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखने से पकौड़े अंदर तक अच्छी तरह से पक जाते हैं। पकौड़े यहाँ पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ऐसे पकौड़े यहाँ पे तलकर तैयार है। कढ़ी हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल हो रही है, आप देख रहे हैं। मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप कढ़ी में चीनी पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है कढ़ी हमारे और ज्यादा पतली भी नहीं है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है। अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं हमारे पकौड़ों को।
कढ़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है और यकीनन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। कढ़ी यहाँ पे अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। आइए अब हम लोग इसके ऊपर डालने के लिए एक छौंक बना लेते हैं। छौंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा तड़का पैन लिया है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक चम्मच घी। घी से तड़का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप चाहे तो घी की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ी सी राई। राई यहाँ पे चटपट आने लगी है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे दो लाल मिर्चें और थोड़ा सा करी पत्ता। अब इस तड़के को हम लोग कढ़ी में डाल देंगे और उसे एक बार और उबाल आने देंगे। मैंने अभी तक कढ़ी में नमक नहीं डाला है। हम सबसे आखिर में इसमें नमक डालेंगे। कढ़ी में एक उबाल आ गया है। कढ़ी हमारी बिल्कुल भी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कढ़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। गर्मा गर्म पकौड़े वाली कढ़ी यहाँ पे खाने के लिए तैयार है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही सूप की तरह पी सकते हैं। इसे आप 2 से 3 दिन तक रखकर खा सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।